नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति को ऐसे अधिकार दिए गए हैं सरकार द्वारा जिन अधिकारों को पाकर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है और अपने अपने विकास के लिए कार्य कर सकता है। यानी कि ऐसे मूल अधिकार, जो व्यक्ति को उन मूल अधिकारों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार द्वारा कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका अगर व्यक्ति का उल्लंघन होता है, व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति सरकार में या फिर उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कर सकता है। इन शिकायत जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनके खिलाफ याचिका लगा सकता है। ठीक है, तो अपन एक एक मौलिक अधिकार की बात करेंगे। वैसे मौलिक अधिकार अपने छह हैं। कितने मौलिक अधिकार है? छह मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहले मैं आपको मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर बता देता हूँ कौन कौन से मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नंबर एक पर आता है समानता का अधिकार। नंबर दो पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर तीन पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर चार पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर पांच पे आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। नंबर छह पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कुल मिलाकर जो भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति है उनको ये छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले मौलिक अधिकार सात थे, जिनमें एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में छह मौलिक अधिकार है, लेकिन अब जैसे समानता का अधिकार है, अब इस समानता के अधिकार में व्यक्ति को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आता है अनुच्छेद 32 में। यानी कि जो छह मौलिक अधिकार है, कौन से मौलिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद के माध्यम से बताया गया है, जिसमें से पहला आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। वैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है अनुच्छेद 23 से 24। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है। फिर आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 30 तक है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक एक जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, वे 16, 17, 18 में कौन कौन सी बातें बताई गई, एक बार नोट कीजिए। फिर हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं, आगे की क्लास शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 में कौन सी बातें बताई गई है नोट कीजिए एक बार। चलिए अब शुरू करेंगे अपन, एक एक मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, एक एक पॉइंट को विस्तार से जानेंगे। चलो अब आता है नंबर वन पर अनुच्छेद 14।
अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में क्या बात बताई गई है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि व्यक्ति को जो कानून होता है, कानून के समक्ष सबको समान समझा जाएगा। यानी कि कानून है, जो नियम है, जो कायदे लगेंगे, वो समान रूप से व्यक्ति को समान रूप से बांटे जाएंगे। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि सरकार ने इस व्यक्ति के लिए अलग कानून बना दिया, उस व्यक्ति के लिए अलग कानून बना दिया। जो भी कानून बनेंगे, जो भी कानून लागू होंगे देश में, वो हर एक व्यक्ति को समान रूप से लागू होंगे। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम लगेंगे, वो सबको समान रूप से लगेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर सेकंड पे आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है ना। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर अपन बोल सकते हैं धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जाति, लिंग के आधार पर, जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। यानी कि कोई भी सरकार, कोई भी ऐसा कानून नहीं आएगा जो किसी एक विशेष जाति के लिए हो। यानी जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, ठीक है। नंबर तीसरे पे देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में आता है रोजगार की स्वतंत्रता। व्यक्ति कहीं भी रोजगार कर सकता है, या फिर उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोजगार दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये व्यक्ति योग्य है तो इसको है ना छोटा काम दे दिया, या फिर कोई जो अयोग्य है उसको अन्य काम दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में आता है रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार की, या फिर रोजगार में समानता। अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा तो समान रूप से दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 4 पर देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया? जो पहले का जो समय था, उस टाइम जो छुआछूत ज़्यादा प्रचलित थी, यानी कि किसी के साथ जो नीची जाति के लोग थे, वो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, जो निम्न लोग थे उनके साथ भेदभाव करते थे। अगर वो गलती से छू भी लेते थे तो क्या बात करते थे कि भाई ये छुआछूत की जो प्रथा है, जो प्रचलित प्रथा है, वो चलती आ रही थी। तो अनुच्छेद 17 के जरिए इस प्रथा को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। छुआछूत का अंत। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। नंबर 5 पे देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। कहने वाली बात है, जो पहले राजा महाराजा उपाधियां दिया करते थे, जिससे असमानता को थोड़ा सा, यानी असमानता उसको थोड़ा सा बढ़ावा ज़्यादा मिलता था, इस वजह से जो उपाधियां है उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो जो अपने अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, इन अनुच्छेद में कौन कौन सी समानता दी गई है एक बार वापस देख लो। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता, सबको कानून समान रूप से लागू होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर अनुच्छेद 15 पे है जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी होटल में जा सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी मंदिर में जा सकता है, ये सब समानता दी गई। अनुच्छेद 16 में रोजगार में समानता, कोई भी रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, वो सबको समान रूप से दिया जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में जो उपाधियां दी जाती थी राजाओं के द्वारा, उन उपाधियों को, जो उपाधियां थी उनका अंत कर दिया गया है, ठीक है। ये थी समानता के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब अगली क्लास में अपन देखेंगे जो अपना सेकंड मौलिक अधिकार है, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22,
उसमें पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या, अनुच्छेद 20 में क्या है, वो आगे वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इनको नोट कर लो।